का उपयोग करने से वो यूरिया थोड़ा लंबे अरसे तक जमीन में उनका असर दिखाता है, इसीलिए भी इनका कम इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ रही है और ये 100% करके इस पर एक बड़ा बड़ा प्रयास सरकार ने किया है। पहले सवाल के जवाब में भी पहले सांसद जी महोदय ने बताया था कि पानी का इस्तेमाल वो साइंटिफिक ढंग से करने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप की जो योजना है और उनमें 50% 45% भारत सरकार की और 45% से कई राज्यों ने अपने हिसाब से भी ज्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान कर रखे हैं, तो इसी योजना के माध्यम से वो यदि इस ड्रिप और स्प्रिंकलर में जाते हैं तो बहुत ही कम लागत में उनका प्रोडक्शन होता है। दूसरा, ये हमने किसानों को इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक दो मॉडल विकसित किए हैं जिनको समेकित खेती के रूप से जाने जाते हैं, इनके प्रयोग करने से भी किसानों की लागत कम हो रही है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हम बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रसार प्रचार करने में और किसानों को प्रोत्साहित करने की योजनाएं लगाई है। ये सारी इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 142 विनायक राउत। माननीय मंत्री जी, मान्य सदस्य, मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय जी से कि आप इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। वैसे देखे जाए तो अपने देश में जैसे कि उत्तर दिया कि 305.48 लाख मेट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता है और उसमें कमी है सिर्फ 63.12 लाख मेट्रिक टन की। मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से कि आज किसानों की आवश्यकता है कि सस्ते दाम और सही वक्त पे ये यूरिया मिलने की जरूरत है, तो इसके बारे में सरकार देश के सारे किसानों को सही वक्त पे और सस्ते दाम में यूरिया मिलने के लिए क्या कोशिश करेंगे? स्पीकर सर, इट इज द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दैट द फार्मर शुड गेट फर्टिलाइजर ऑन टाइम विद द मिनिमम कॉस्ट। For that reason only, subsidy is being given to all the fertilizers. Nearly 72,000 crores, more than 72,000 crores subsidies are given by the central government to the farmers. And especially nowadays, we have seen the benefit goes direct to the farmer. The after the sale to the farmer through first mission and direct benefit transfer, it will go to the farmer. So totally the farmer will be benefited out of that, and certainly we want to reduce the use of the fertilizers in the coming days. For that reason, organic and city compost, for that also we are giving subsidy and we are taking forward. So totally the usage of fertilizers, especially urea in the country, that should be minimized. That is the one of the visions of the honorable prime minister. Another thing is the prime minister want to see that by the end of 2021 the import should be minimized. At present we are importing about 65 lakh metric tons. We want to see that it should be stopped. For that several initiations has been taken by the honorable prime minister by reviving 5 factories which are shut during